और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर के प्रताप नगर में गैंगवार फायरिंग में एक युवक की मौत हुई है। गाड़ी में बदमाश आए थे और ये बड़ी जानकारी जयपुर के प्रताप नगर से है, जहां पर गैंगवार हुई फायरिंग में एक युवक की मौत बताई जा रही है। गाड़ी में बदमाश आए थे ये भी बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी है? प्रताप नगर इलाके गोदावरी अपार्टमेंट के बाहर की घटना है, जहाँ पर गाड़ी में कुछ बदमाश भर के आए थे और मौके पर जो एक युवक जानकर उसका नाम महेंद्र मीणा बताया जा रहा है, उसके ऊपर गोलियां बरसाई थी। उसके बाद में वो मौके से फरार हो गई। पूरी घटना के अंदर जो युवक है वो महेंद्र मीणा, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस के अधिकारी ने पूरे जयपुर शहर के अंदर कड़ी नाकाबंदी करवाई है, जिससे कि जो बदमाश गाड़ी में आए थे उनको गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि मौके से जो गोलियों के पोल है वो पुलिस को मिले हैं। फिलहाल पुलिस उतना तलाश कर रही है। साथ साथ जो मृतक का शव है वो मुहूर्त में रखवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। फिलहाल पूरे जयपुर शहर में नाकाबंदी करवा दी गई है और गाड़ी नंबर के आधार पर बदमाश तलाश की जा रही है। सत्यनारायण, ये गैंगवार जो बताई जा रही है, तो जितने लोग आए थे कितने थे उसके बारे में क्या जानकारी, और ये जो लड़का जिसकी मौत हुई है उसके बारे में क्या जानकारी है? वहीं पर रहता था, किसी गैंग से संबंधित था? बिल्कुल, देखिए ये जो युवक है महेंद्र मीणा का नाम है और ये बताया जा रहा है कि प्रताप नगर इलाके का रहने वाला था और इसी दूसरे गैंग से इसका रंजिश चल रही थी और उन्होंने इसको धमकी भी दी हुई थी। ऐसे में इस रंजिश से चलते इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन बदमाश जयपुर से बाहर न जा पाए इसलिए जयपुर शहर के तमाम टोल नाकों पर और जयपुर शहर के जितने भी मेन मुख्य मार्ग है वहां पर नाकाबंदी करवा दी गई है, क्योंकि बदमाश हथियार भी है। ऐसे में आदेश दिया गया कि तमाम थानाधिकारी फील्ड में रहे और अपने अपने हथियार भी साथ में थे, जिसके अगर आमना सामना हुआ तो पुलिस के ऊपर कोई दुर्घटना में कोई दिक्कत ना आ सके मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण पूरी जानकारी के लिए।